जानते हैं कि हम लोग लगातार 23 मार्च से 31 मार्च तक शहादत सप्ताह मना रहे हैं। हम अपने असल क्रांतिकारी नायकों को याद कर रहे हैं इस दौर में, जहां हमारे ऊपर लगातार ऐसे हमले किए जा रहे हैं शैक्षणिक और ऐतिहासिक, जहां हमारे सामने चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो इसी कड़ी में हमने इस कैंपस को बताने के लिए, शहीदों को याद करने के लिए लगातार एक सप्ताह से शहादत सप्ताह मना रहे हैं। और आज कॉमरेड चंद्रशेखर, जो यहाँ के यूनियन के अध्यक्ष भी रहे और हमारे संगठन से जुड़े रहे, माले की राजनीति भी की उन्होंने, उनका आज शहादत दिवस है। और आज इस शहादत दिवस में हम कॉमरेड चंद्रशेखर को याद करते हैं, उनके द्वारा कल्पना की गई जो समाज, बेहतर समाज और बेहतर विश्वविद्यालय की जो कल्पना थी, उसको हम आज भी उस सपने को जीते हैं और उनको साकार करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। हम तमाम साथी जानते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में लगातार एक शिक्षा को बेचने का प्रयास हमारे सामने खुलेआम हो रहा है। हमारे सामने NEP जैसे पॉलिसीज लाई जा रही हैं, CUET कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट लाया जा रहा है, जहां बड़े पैमाने पे मार्जिनलाइज सेक्शन के छात्रों की छटनी होगी। चंदू ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इस कैंपस में गरीब छात्र पढ़ाई नहीं कर सकेगा। आज वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है छात्र की बदौलत, कि ये कैंपस कभी किसी गरीब छात्र के लिए बंद नहीं होगा। और मैं आप सभी तमाम साथियों से अपील करूंगा कि आने वाले समय में हमें ऐसी लड़ाइयों को और मजबूत करनी है। आज विशेष तौर पर हम बात करेंगे कि जो हमारे देश में जो भाजपा और मोदी की सरकार है, वो कैसे हमारे देश के साधनों और संसाधनों को लूट रही है। चाहे वो कोयला खदान हो, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, हमारे सामने सब उदाहरण के तौर पर है कि सबको निजीकरण भी किया जा रहा है, सबको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए, और सरकार देश के संपत्ति को सामंतियों के हाथों में और पूंजीवादियों के हाथों में बेचने का प्लान कर चुकी है। इसी सब विषय पर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ तरंजय गुहा ठाकुरता हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार इस देश के संसाधनों को, रिसोर्सेज को बहुत करीब से देखा और महसूस किया है। और वो समझते हैं कि इस देश में कैसे पूंजीवादी गरीब का हनन करते हैं, उनसे लूटते हैं और गरीब को गरीब बनाए रखने की एक पूरी प्रक्रिया चला रखी है देश में। आज उसी तौर पर हम चाहेंगे कि आज इस विशेष सभा में कॉमरेड चंदू लेक्चर मेमोरियल के तौर पर आज हम जो लेक्चर ऑर्गेनाइज किए हैं, उसमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा आने के लिए। मैं चाहूंगा कि आगे की बात तरंजय सर रखें। शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। मैं बैठ के बोल सकता हूँ? हाँ हाँ। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप आए हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जिस विषय के ऊपर साईं बालाजी ने कहा बात करने के लिए, वो एक विषय ने लगभग 4-5 विषय से अभी बोला, हमारे देश के हमारे नागरिक का जो संपत्ति है, जो संशोधन है, कैसे लूट हो रहे हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति कर रहे हैं, बेरोजगारी या बेकारी, ये भी एक मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दा है। मगर मैंने साईं बालाजी को वो नोटिस तैयार करने के बाद बोला कि ये सारे विषय के ऊपर आधा घंटा में या 45 मिनट में मैं ठीक तरह से नहीं कह पाऊंगा, तो मैं एक ही विषय इसमें से चुन लेता हूं, इनइक्वालिटी, या जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है, समाज में, अर्थव्यवस्था में जो एक असंतुलन, इस विषय के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ। मेरा हिंदी कमज़ोर है, मेरा हिंदी मेरा तीसरी भाषा है, मेरा मातृभाषा बांग्ला है, और मैंने अंग्रेज़ी में बहुत सारे मेरे काम मैंने किया, तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ अगर मेरा व्याकरण, मेरा उच्चारण इधर उधर चला जाता है, मगर आप हमें किसी वक्त भी रोक सकते हैं, और अगर किसी विषय के ऊपर जब सवाल जवाब का समय आएगा आप सवाल हमें उठा सकते हैं। मगर मैंने आज कोशिश किया दोपहर में ये इनइक्वालिटी इस विषय के ऊपर कुछ कहूँ, और
बहुत सारे इस विषय के ऊपर लेख आए हैं, रिपोर्ट्स आए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है, वो हर साल एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। साल जब ख़त्म हो जाता है दिसंबर में, इन्होंने निकाला है, तो 2021 में इन्होंने निकाला वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021। एक और संस्था है ऑक्सफैम, इन्होंने भी एक रिपोर्ट हर साल जनवरी में पेश करते हैं, डेवोस स्विट्जरलैंड में, जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जिसके पास पहुंच है, नॉट जस्ट रिच बट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो आते हैं। यूएस स्विट्जरलैंड में एक स्कीइंग रिजॉर्ट है, यहाँ पे आते हैं और इनके इनके लिए वो ये रिपोर्ट पेश करते हैं। और अलग अलग जगह से बहुत सारे गैर सरकारी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ता भी आते हैं, एक तरह से जो आंदोलन करते हैं वो भी आते हैं, क्योंकि हमारे विश्व का सबसे अमीर जो व्यक्ति है, सबसे जो जिसके पास धन है, संपत्ति है, आय है, इनको समझाने के लिए कि ये क्यों हो रहा है। और इसके साथ बहुत सारे विषय भी आ जाता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जैसे ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, जैसे हमारे देश में जाति के ऊपर जो, और रंग भेद, ऑल ऑफ दीज इश्यूज, रेस, सेक्स, जेंडर, ये सारे विषय एक साथ मिल जाते हैं ये विषय को। तो मैं शुरू करने में पहले विश्व में क्या हो रहा है मैं कुछ कहना चाहूँगा, और उसके बाद मैं भारतवर्ष में क्या हो रहा है इस विषय के ऊपर थोड़ा विस्तार में मैं बात करने का कोशिश करूँगा। अगर विश्व का 250 मर्द जो सबसे ज्यादा पैसे है जिनके पास, पूरा विश्व में 292 लोग, ऑल मेन मर्द, अगर उनका पूरा संपत्ति अगर आप इकट्ठा करेंगे तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जो लैटिन अमेरिका कहते हैं, उसके कैरिबियन भी आते हैं, इसमें जितने महिलाएं हैं, बेटी और महिलाएं हैं, लगभग 100 करोड़ 1 बिलियन, इनके पास जितना संपत्ति है विश्व के 250 व्यक्ति के पास या 252 लोगों के पास, 252 ऑफ द रिचेस्ट मेन इन इंडिया हैव मोर वेल्थ देन ऑल द 1 बिलियन गर्ल्स एंड वुमेन इन अफ्रीका। अफ्रीका में 54 देश है, 54 कंट्रीज इन अफ्रीका, इन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन। तो और भी दो चार आंकड़ा मैं देना चाहता हूं आपको। सबसे 10 व्यक्ति जो सबसे अमीर है, ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं, फोर्ब्स रिपोर्ट तैयार करते हैं, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट करते हैं, और इस रिपोर्ट में भी लोग कमियां ढूंढते हैं, जैसे हमारे माननीय वित्त मंत्री जी जो जेएनयू के, निर्मला सीतारामन जी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ा था, तो हमारा माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी, उन्होंने ये कली 30 मार्च 2022 में राज्यसभा में कहा कि ये सारे रिपोर्ट जिस तरह से आंकड़ा दिखाते हैं ये ठीक नहीं। अंग्रेजी में उन्होंने कहा क्वेश्चनेबल मेथोडोलॉजी एंड फ्लॉड, इसके मतलब इसमें बहुत कमियां हैं, और जिस तरह से ये सारे आंकड़ा इकट्ठा किया इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे। बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं निर्मला जी का जो भी उन्होंने कहा, इससे ज्यादा उन्होंने नहीं कहा,
उन्होंने नहीं बताया बारीकी से कहाँ पे कमियां है, क्यों इस तरह से वो आंकड़ा इकट्ठा नहीं कर रहे, ये नहीं बताया, सिर्फ एक लाइन बता दिया। जब कुछ लोगों के बताया कि ये देखिए एक एक रिपोर्ट आ रहे और बोल रहे भारतवर्ष में कितने अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है कैसे बढ़ रहे हैं, तो बोला ये सब रिपोर्ट हमारा इसमें कोई नहीं। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट है कह रहे कि भारतवर्ष में लोकतंत्र कमजोर हो रहे हैं, तो मान नहीं सरकार, तो मानते नहीं, हमारा सरकार बहुत कुछ नहीं मानता। एक और उदाहरण दे देते हैं, 31 मार्च 2020, एग्जैक्टली 2 years ago, 2 साल, हमारे सबसे उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहां के चीफ जस्टिस जो हैं शरद बोबडे जी, उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायाधीश, उनके पास भारत सरकार का जो सॉलिसिटर जनरल है, उसका हिंदी हमें मालूम नहीं है, होगा जरूर, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी, एक रिपोर्ट पेश किया। वो रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि हमारे देश का जो गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसका सचिव अजय भल्ला जी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, ये सब लिखित रूप में, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे हवा में कुछ कह दिया, हमारा मूड आया, अच्छा है, खराब है, कुछ भी कह दे, नहीं, ये सब लिखित रूप में उन्होंने क्या कहा, आप आश्चर्य हो जाए। उन्होंने लिखित रूप में कहा, देयर इज नॉट ए सिंगल माइग्रेंट ऑन द हाईवेज ऑफ इंडिया, भारतवर्ष का राजमार्ग में एक भी प्रवासी मजदूर नहीं है। इतना बड़ा झूठ, हमारे देश का गृह सचिव सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखित रूप में देने के लिए तैयार। आपको याद होगा मोदी जी जब घोषणा किया, लोगों को 4 घंटा समय भी नहीं मिला, 4 घंटा समय नहीं मिला, बोला भाई, उसके 2 दिन के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है कि जी हर गरीब परिवार को हम 5 किलोग्राम गेहूं 2.5 किलो चने के दाल, जो आज हम कहते हैं लाभार्थी, इनको मिलेगा, उस दिन नहीं मिला, 2 दिन के बाद। मगर आज भी भारत सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग सड़क में निकल गए थे, कितने लोग, लाखों क्यों करोड़ों लोग शहरी इलाका छोड़ के अपने गांव चले गए, जो भारतवर्ष के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री दैट देयर हैज बीन अ रिवर्स माइग्रेशन, कि शहर से गांव में लोग चले। ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिनों के लिए, मगर कम से कम 2020 का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने में देखिए, एक दिन ना एक दिन बहुत लोग इतिहास में बहुत कुछ कहेंगे, मगर मैं आपको सबके सामने एक सार्वजनिक मंच से बोल रहा हूं कि हमारे देश के इतिहास में और शायद विश्व के इतिहास में भी ऐसा कभी नहीं हुआ, इतने लोग एक देश के अंदर एक जगह छोड़ के और कहीं चले गए। कोई 100 मील, कोई 750 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर पैदल चले। कितने लोग का मौत हो गई, कोई साइकिल किसी के पास था, आपने तस्वीर देखा होगा, अगर आप किसी वक्त डिज्नी हॉटस्टार में चले जाइए, 1332, अब सॉरी नाम हमें याद नहीं, विनोद कापरी का एक वित्त चित्र है, 7 व्यक्ति जो साइकिल में दिल्ली छोड़ के और कहीं गए थे, इसके ऊपर इन्होंने एक वित्त चित्र बनाया, देख लीजिए, यू विल सी फॉर योरसेल्फ। तो ऐसा सरकार
जो इस तरह से सफेद झूठ कहने के लिए तैयार है, तो हमारे निर्मला सीतारामन जी जो कहेंगे, आई विल टुडे गिव यू द काउंटर व्यू पॉइंट। भारत विश्व में, पूरा विश्व में, लगभग 200 देश है, इसमें 54 है अफ्रीका में, रफली 200 कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएन, यूनाइटेड नेशंस, जो पैलेस्टाइन भी उसमें है, जो बहुत लोग स्वीकार नहीं करते। नंबर ऑफ बिलियनेयर्स इन इंडिया, बिलियनेयर है, एक बिलियन कितना है, 100 करोड़ हो जाता है, नंबर ऑफ बिलियनेयर्स इन इंडिया। अब रुपया में क्या होगा ये बाद में हम बताएंगे, ये डॉलर बिलियनेयर्स, मतलब अगर आपका रुपया आपने डॉलर में हम अमरीकी डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, लगभग आजकल 75-77 रुपया एक रुपया में एक डॉलर आपको मिलता है। अगर आप डॉलर का मिलियनेयर देखेंगे तो भारतवर्ष में सिर्फ दो ही देश है जहां पे ज्यादा बिलियनेयर्स है, ये कौन है, एक है चीन और दूसरी है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप हम जिस तरह से एक चीज आपको पहले से बताना बहुत जरूरी है, अंग्रेजी भी बार बार लोग कहते हैं रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर, यस समटाइम्स दैट हैपेंस, मगर ज्यादा से समय हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हर गरीब व्यक्ति या बहुत सारे ऐसे गरीब लोग उसका आय, उसका संपत्ति कम हो रहा है, थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, मगर जिस गति से मुद्रास्फीति हो रहे उस गति से नहीं बढ़ रहे। और इससे भी बहुत महत्वपूर्ण जो बात है कि जो अमीर व्यक्ति है, जो पूंजीपति है, उनके धन, उनके संपत्ति का कीमत, उनका जो आय है, जिस रफ्तार से, जिस गति से बढ़ रहे हैं, उस गति के आसपास भी नहीं आ पाए। मेरा कहना यह है द इम्बैलेंस, द गैप बिटवीन The poor and the rich has been growing. और कोरोना काल में लगभग पिछले 2 साल में ये बढ़ गया, किस तरह से बढ़ गया इसके ऊपर और भी हम आपको बताएंगे। जो मध्य वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिसको न्यूनतम वेतन मिलने के लिए बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए उनका खाद्यान्न, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3-4 विषय के ऊपर हम बताएंगे। आज भी भारत सरकार हमें नहीं बताया कि कितने प्रवासी मजदूर सड़क में निकल गए थे अप्रैल, मई, जून में। भारत सरकार अभी भी संपत्ति के ऊपर आंकड़ा नहीं देते हैं, सिर्फ आय के ऊपर आंकड़ा देते हैं। इट हैज नो डेटा ऑन वेल्थ, इट हैज डेटा ऑन इनकम, उसमें से अनुमान कर लेते हैं जो अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट हमारे देश में, विदेश में, एंड दे अराइव एट एस्टिमेट्स। और ये एस्टिमेट के ऊपर आप रात भर आप एक विवाद हो सकता है, आप बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए निर्मला सीतारामन कह सकते हैं फ्लॉड एंड क्वेश्चनेबल मेथोडोलॉजी, मगर हमारे पास जो है वेरी वेरी सिंपल फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग शायद, बहुत लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा या अर्थशास्त्री नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, एक 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 चीज है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हिंदी में हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, कि द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका स्टॉक भी होता है, इसका फ्लो भी होता है, अलग अलग तरीका से, जो आप लोग इसमें कोई अगर
अर्थशास्त्र का स्टूडेंट्स है, आपको मालूम है कि एक क्लास नहीं 10 क्लास लगता है समझने में, एक अलग अलग तरीका है कैसे अपने GDP कैलकुलेट करते हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट बोला कि इंडिया इज वेरी पुअर एंड वेरी अनइक्वल। हमारी सरकार बहुत नाराज हो गए थे। इस पे लिखा है एवरेज नेशनल इनकम इन इंडिया। अगर हमारे देश में समझ लीजिए 135 करोड़ लोग हैं, और अगर हमारे देश का जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद, लगभग एग्जैक्ट नंबर हमें मालूम नहीं है, लगभग 250 लाख करोड़ ऐसा कुछ, यह आंकड़ा भूल जाइए। जो ये रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, सबसे अमीर जो 1% है, 1% भारतवर्ष जनसंख्या में, उसके पास उनका संपत्ति, हमारा पूरा देश का जो संपत्ति है, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की 20% भी से भी ज्यादा। द टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इनकम विच इज ओवर 1/5 ऑफ द टोटल इनकम। अगर सबसे नीचे जो भारतवर्ष के आधा, जो 135 करोड़ जो भारतवर्ष के लोकसंख्या है, जनसंख्या है, आबादी है, इसके आप आधा कर दीजिए, 50 कर दीजिए, तो आपका कितना होगा, 68 करोड़ के आसपास लोग, जो आधा, इसमें मध्यवर्ग के लोग भी, इनका जो एवरेज इनकम है 53,610। पूरा कंट्री का एवरेज है 2,04,200, और जो नीचे आधा लोग है उसका 53,000। इसका मतलब है एकदम टॉप में जो है, जो 10% है, उनका कितना है, 11,66,520, 20 गुना ज्यादा। तो ये एक आंकड़ा मैंने दिया आपको टू एक्सप्लेन टू यू द इनइक्वालिटी। और भी ऐसे बहुत सारे आंकड़ा है, और ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ये महत्वपूर्ण है कि ये कम नहीं हुआ, ये बढ़ रहा है। 80 का दशक में सबसे ऊपर जो 10% लोग हैं, ये पूरा आय में लगभग 30% थे, लगभग उनका टोटल इनकम, द टॉप 10% शेयर ऑफ द टोटल इनकम वाज अराउंड 30%, 30% के आसपास, पूरा 80 का दशक के बाद में करो। और ये बढ़ के 2019 56% हो गया, फ्रॉम 30% टू 56% फ्रॉम द 80s टिल 2019। और सबसे नीचे जो 10% लोग हैं, कितना है भारतवर्ष का पूरा जो आय है उसका, कितना, 3.5% है जो बिलियनर्स। और इस बार हम भारतवर्ष का रुपया का बिलियनर्स देख रहे हैं, जिसके पास, जिसका संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा। आप कितने लोग को पहचानते हैं जिसका बैंक का खाता में 1 करोड़? मेरा बैंक का खाता में कभी नहीं। सिर्फ 9 व्यक्ति का था 100 करोड़ से ज्यादा इनका संपत्ति। 2017 में ये 101 हो गया, और आजकल 120 के आसपास। 2018 और 2022 के बीच हर रोज 70 नया लोग आ रहे जिसका संपत्ति 10 लाख से ऊपर हो गया। उसको हम बिलियनर्स नहीं कहेंगे,
मिलियनेयर्स कहेंगे, मिलियनेयर्स, 1 मिलियन इज यू नो इक्वल टू 10 लाख. तो ये है भारतवर्ष का छवि. ये जो 2 साल हुए हैं कोरोना काल, इसके पहला 1.5 साल में हमारे मित्र मुकेश धीरूभाई अंबानी जी का संपत्ति का कीमत हर घंटे में 90 करोड़ बढ़ गया. तो लोग कहेंगे ये सचमुच नहीं है, सचमुच इनका संपत्ति इतना नहीं बढ़ा है, ये एक नोशनल हवा में है, क्योंकि ये शेयर बाजार के ऊपर आपके इतने शेयर्स हैं और शेयर आज ऊपर चला गया कल नीचे गिर जाएगा, तो हर रोज ऊपर नीच करता है, एक दिन अडानी ऊपर है, एक दिन नीचे अंबानी है, ऊपर नीच होता है. मगर ये है हमारे देश के जो लोग हैं ना, आप देखेंगे जो हमारे देश में हम कहेंगे अरबपति, 10 गुना बढ़ गया. अगर आप इसके सारे जो संपत्ति है ना एक साथ करेंगे तो एक साल केंद्र सरकार का पूरा बजट से भी ज्यादा होगा. दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. हमारे देश के जो असंतुलन है इसका एक आंकड़ा मैं दे देता हूं. एक साइड में आप एक महिला को रखिए जो घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा धोना ये सब काम करते हैं, समझ लीजिए उनको सबसे न्यूनतम जो वेतन है मिल रहा है. दूसरा साइड में आप एक बड़े कंपनी का एग्जीक्यूटिव रखिए, एक कंपनी का सीईओ, वो आईटी कंपनी हो सकता है, सूचना प्रौद्योगिकी या कोई कमीज या गारमेंट के एक्सपोर्टर है, वो साल में जितने कमाए करते हैं, एक साल में उनका इनकम जितना है, ये महिला को कितना साल लगेगा? एक साल में उसको जो इनकम है, जो आप जो महिला झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा धोना, क्योंकि आज घर पे वॉशिंग मशीन से भी आपके कम रेट में आप कोई आ जाएगा आपका सारे गंजी जांघिया धो देंगे. दिस पर्सन विल टेक 940 years, 941 साल लगेगा. वो जो भाई साहब एक साल में रोजगार करते इनको 940 साल लग जाएगा रोजगार करते हुए. दिस इज द काइंड ऑफ शॉकिंग इनइक्वालिटी दैट वी सी. मैं संपत्ति के ऊपर जो कर बैठा था वो 2015 में बंद हो गया. इफ जस्ट थिंक, अगर आप हमारे देश में जो सबसे 100 अमीर व्यक्ति के ऊपर आप 4% टैक्स लगाएंगे, 4% टैक्स ऑन द 98 richest इंडियंस, हमारे केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 2 साल का बजट जरूरत नहीं पड़ेगी. टॉप 98 richest इंडियंस पुट अ टैक्स ऑफ 4% ऑन देयर वेल्थ, 4%, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का 2 साल का बजट इसमें कवर हो जाएगा. जो समग्र शिक्षा अभियान है उसका 6 साल का बजट कवर हो जाएगा. अब बच्चों को दिन में मिड डे मील स्कीम देते हैं, 17 साल जो खर्चा कर रहे हैं ये 4% टैक्स वुड हैव कवर्ड इट, बट यू हैव नॉट डन इट. अत्यंत शर्म की बात है, जो पूरा विश्व में जो अल्प उम्र का बच्चों का जो मौत होता है, इन्फेंट डेथ्स, दैट मींस डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स
बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल का कम है पूरा विश्व में. ठीक है, हमारे देश में 1.35 बिलियन 135 करोड़ लोग है पूरा विश्व में, समझ लीजिए 750 करोड़ लोग है. सो इन एनी केस आवर पॉपुलेशन इज समवेयर अराउंड 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. बट 20%, 21%, यानी कि हर 4 बच्चे जो पूरा विश्व में जिसका मौत होता है, जिसका उम्र 5 साल से कम, भारतवर्ष में रहते हैं. और अगर हमारे देश का स्वास्थ्य के ऊपर जो भारत सरकार जो खर्च करते हैं, आप तुलना करेंगे बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, कम, वी स्पेंड मोर ऑन सो मेनी अदर थिंग्स बट नॉट ऑन हेल्थ केयर. और सबसे आश्चर्य बात है, ये कोरोना काल के, ये जो महामारी के बाद भी भारत सरकार अपना स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्चा करना चाहिए नहीं कर रहे. एक चीज कहते हैं कि हाँ करना चाहिए, जो हमारे जो आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें लिखा हुआ है हाँ हमें जो अभी अभी 1.5% है हमारे जो पूरा जो जो भारतवर्ष का जो GDP है इसका 1.5%. और हमारे देश के भारत सरकार का वित्त मंत्रालय के आर्थिक समीक्षा कह रहे कि 2.5 से 3% होना चाहिए, यानी कि दुगना होना चाहिए. वो नहीं हुआ, जहां था वही है, 1-2 साल कम हो गया. और अगर इसके साथ आप मुद्रा स्फीति जोड़ देंगे, आप देख लेंगे क्या आश्चर्य बात है, कम हुआ. मैं आपको ज्यादा आंकड़ा नहीं देना चाहता हूं, जिसको चाहिए सारे आंकड़ा हमारे पास है. सिर्फ 2-3 चीज में कहना चाहता हूं, पूरा विश्व में हम देख रहे हैं कि लोगों का स्वास्थ्य के लिए हर देशों में सरकार खर्च करती है. जो निजी अस्पताल के ऊपर जो खर्चा होता है, जो ये कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, जो निजी अस्पताल में जिसका होता है और सरकारी अस्पताल में जो होता है, 6 गुना फर्क है. सरकारी अस्पताल में जो एक व्यक्ति खर्च करते हैं और जो निजी अस्पताल में करता है, इसका 6 गुना खर्चा है. ये मेरा आंकड़ा नहीं, ये भारत सरकार का आंकड़ा है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. आप एक चीज कहते हैं और कुछ कहते हैं. आप बजट का आंकड़ा देखिए, कम होता, 1-2 साल कम हो जाए, फिर बढ़ गया. पूरा मंत्रालय का बजट देखिए, और यही कहानी आपको मिल जाएगा हमारा शिक्षा बजट के ऊपर. मंत्रालय है जो शिक्षा मंत्रालय है, जिस रफ्तार से बढ़ रहे, बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रहे, मगर जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा. बजट में आप दिखाते हैं कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे 2021-22 वित्तीय साल में, जिस साल में मतलब 31 मार्च 2022 इस साल, मैंने आज के दिन आपने बजट, एक साल फरवरी एक तारीख को आपने बजट में देखा था, हम 93,224 करोड़ हम खर्चा करेंगे. आपने कर नहीं पाया. आपने इस साल फरवरी में, पहला फरवरी में निर्मला सीताराम जी बोला कि रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या 88,002 करोड़. आप कहा 93,000 हम खर्चा करेंगे, मगर आप 88,000 करोड़ खर्चा किया. और ये कोरोना काल में गंगा में लाश फैले थे लोगों का, आप कह रहे हम गंगा साफ कर रहे हैं. गंगा माता को आपने देखा किस स्थिति में था. तो देखिए, इस विषय के ऊपर बहुत कुछ बहुत लोग कह सकते हैं. मैं 1-2 बात करके अभी आपके जो भी सवाल हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए, मगर मैं 4-5 मिनट और बात कर लेता हूँ. हाँ ठीक है, ज्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ. 2 तरीका का कर होता है, एक है डायरेक्ट टैक्सेस
और एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है? आपका आयकर, आप इतना आय कर रहे हैं, आप इतना कर दे दीजिए। और इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव सिस्टम, यानी कि एक प्रगतिशील सिस्टम से आप कर देते हैं। आपका जिस व्यक्ति का ज्यादा आय है वो ज्यादा कर देते हैं, जिसका कम है वो कम देते हैं या नहीं देते हैं। और जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे पेट्रोल के ऊपर कर, जैसे डीजल के ऊपर कर, जैसे कोका कोला के ऊपर कर। मैं एक साधारण उदाहरण देता हूं। आप एक गरीब व्यक्ति हैं, आप जेएनयू का स्टूडेंट है, आप एक कोका कोला का बोतल खरीद लिया, आपको वो उसके ऊपर तो थोड़ा बहुत कर है, उतना ही आप दे रहे हैं। अगर आप मुकेश अंबानी है, वही आप कोका कोला खरीदे, आप भी वही कर दे रहे। सो इट इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव, यानी कि एक रिग्रेसिव है। हम ये प्रगतिशील नहीं है कि आपका जितना भी आय हो आप कर एक ही दे। तो मेरा कहना यह है कि भारतवर्ष का, भारत सरकार 55-60% जो कर, टोटल रेवेन्यू, पूरा जो भारत सरकार का राजस्व आता है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस जो प्रगतिशील नहीं है यहां से आते हैं। अगर डायरेक्ट टैक्सेस एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी आप देखेंगे, 4.7% और अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस देखेंगे 4, आप जानबूझ के जो अमीर व्यक्ति के ऊपर कर नहीं बढ़ा रहे। निर्मला जी 2018-19 में कॉरपोरेट सेक्टर का टैक्स कम कर दिया, 30% था उसको 22% कर दिया। सरकार ने खुद मान लिया कि हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया नुकसान हुआ, फिर भी आपने किया। तो कुछ लोगों का संपत्ति आज बढ़ रहा है, कुछ लोगों का संपत्ति नहीं बढ़ रहा है। और इसका एक असर पड़ रहा है भारतवर्ष का संघीय ढांचा के ऊपर, फेडरल स्ट्रक्चर। जैसे जैसे हम ये आपका जो स्वास्थ्य प्रणाली के बारे में कहें, केंद्र सरकार कर ले रहे हैं, जैसे डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, अलग अलग तरीका से, और कह रहे हैं हाँ सड़क बनाने के लिए जरूरत है, पार्क बनाने के लिए जरूरत है, मगर जो जिम्मेदारी है ये स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर, ये राज्य सरकार के ऊपर है। मगर उनका जो कर है, उनका जो राजस्व का जो शेयर है, द शेयर ऑफ स्टेट्स इन टोटल टैक्सेस हैज नॉट गॉन अप, मगर उसका जिम्मेदारी बढ़ गया, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव नॉट कम डाउन। मैं 2-3 चीज बोल के खत्म कर रहा हूं। बहुत लोग कहते हैं जो दक्षिणपंथी राजनीति में विश्वास करते हैं, और मैंने गरीब लोग के सामने व्यक्ति का 5 उंगलियां 1 नहीं होते हैं, दैट मीन्स इनइक्वालिटीज हैज टू बी देयर। बहुत लोग कहते हैं ये गरीब क्यों है, ये मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, और क्या बोलते हैं इसके पास टैलेंट नहीं है, ये अनपढ़ है, अशिक्षित है। अभी सोचते हैं कि जिसकी उम्र कम था उसका माँ का क्या स्थिति था, खाना देने के लिए पोषण का क्या स्थिति था। अगर आप समझते हैं हम बहुत मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम दिखाएंगे एक को दूसरे को, ऐसा 1 करोड़ लोग में एक उदाहरण दिखा देता हूं, वाह रे वाह, ये जेवलिन, ये शूटर, ये दिस, बट दिस इज द लाई, ये झूठ है। ये जो कहते हैं ना मेरिटोक्रेसी, कि हमारे देश में ऐसे एक सिस्टम है जिसके पास मेरिट है वही आगे बढ़ेगा, दिस इज द बिगेस्ट लाई, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वाई इट इज। बहुत सारे अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जैसे इस विषय के ऊपर बहुत बारीकी से लिखा है। ये जो असंतुलन है, इनइक्वालिटी, इट इज नॉट जस्ट ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इट इज नॉट जस्ट आपके जो आय है और आपका संपत्ति का जो है,
are you getting opportunities? आप एक बार आपको आपको वो मौका मिल रही है नौकरी के लिए, नहीं आगे बढ़ने के पहले ही आपको रिजेक्ट कर रहे हैं. आरक्षण के ऊपर आज इतना अभी भी चल रहा है एक विवाद, क्यों? इसीलिए ये रिवॉर्ड क्या होना चाहिए. और मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, और ये भी आपका ये जो रिपोर्ट हमने पढ़ के सुनाया इसमें है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना साल आप जिएंगे. एक दलित महिला के साथ आप एक उच्च जाति का महिला का साथ अगर आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितना साल आप जिएंगे 15 साल फर्क है. अगर एक एवरेज एक अपर कास्ट की एक महिला समझ लीजिए 70 साल जीते हैं, एक दलित महिला 55 साल, 15 साल का फर्क है. पूरा जो हमारे देश का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये भारत सरकार का आंकड़ा से ही लोगों ने देखा, दलित लोगों का हर साल महिला मर्द सब मिलके 3 साल कम है, मुसलमानों का 1 साल कम है, आदिवासियों का 4 साल कम है. तो देखिए मैं जहां से शुरू किया वहां से वापस जा रहा हूं. कोरोना काल में एक साल में 2020-21 में कम से कम 46 करोड़ व्यक्ति भारतवर्ष में जो गरीबी रेखा, जो भारत सरकार का जो गरीबी रेखा है उसका थोड़ा ऊपर थे वो नीचे गिर गया. 46 करोड़ इंडियंस हैव स्लिप्ड इनटू पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी ओनली इन 2021. भारत सरकार आज भी हमें अलग अलग आंकड़ा है, कम से कम 1,70,00,000 लोग भारतवर्ष में कोविड में जिसका मौत भी है, इसमें मेरा अपना जीजा जी भी है. आप इसको आंकड़ा जरा घुमा के देखिए. असंतुलन एक फैक्टर है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, हाँ मैं समझता हूं. पिछले एक साल में हर रोज 21,000 लोग, आप कहते हैं वैसे भी मरते हैं, हमारे देश में आबादी इतना है, मगर ये असंतुलन के लिए ये ऑक्सफैम जिसका आज FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में पाबंदी लगा दी भारत सरकार, उनका जो अमिताभ बिहार है उनको किसी वक्त आप बुलाइएगा, मेरे से उनका हिंदी अच्छा है, अच्छा बेहतर है, वो बोलेंगे एक व्यक्ति हर 4 सेकेंड में उनका मौत हुआ इसी कारण में, क्योंकि ये सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं है, अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है सिर्फ नहीं, इसके साथ शिक्षा आता है, इसके स्वास्थ्य आता है, आपका जीने का अधिकार, आपका जीने का सुरक्षा. आप जब अदालत में जाएंगे, अदालत आपका न्याय, सच सचमुच न्यायालय में न्याय मिलेगा? JNU के कितने स्टूडेंट्स का क्या स्थिति है आप जानते हैं मेरे से अच्छा. सचमुच ऐसा है कि कानून के सामने सब व्यक्ति एक है? हमारे संविधान तो यही कहते हैं, हमारा संविधान कहते हैं कि मौलिक अधिकार है हर नागरिक का, ये मौलिक अधिकार है इक्वालिटी बिफोर लॉ, हम एक साथ इकट्ठा हो सकता है, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दीज आर ऑल फंडामेंटल राइट्स, हम एक जो भारतवर्ष के एक जगह से और कहीं जा सकते हैं. चाइल्ड लेबर इज बैन, बॉन्डेड लेबर इज बैन, बट यू नो the real situation on the ground. तो मैं इतना कह के मेरा जितना भी कहना था मैं इस वक्त खत्म करना चाहता हूँ. बहुत सारे विषय के ऊपर बहुत कुछ लोग कह सकते हैं, जिस रफ्तार से बेरोजगारी बढ़ गया भारतवर्ष में, जैसे मुद्रास्फीति बढ़ा, और मुद्रास्फीति तो गरीब के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है,
क्योंकि खाद्यान्न का दाम जब बढ़ता है, डीजल का दाम जब बढ़ता है, ये सिर्फ ये नहीं है कि जो आपका गाड़ी चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं या ट्रेन में चलते हैं, हाँ इसका तो खर्चा बढ़ता है, साथ साथ और सारे चीज जो यातायात के लिए होता है, आलू प्याज फल सब्जी टमाटर, इसका भी खर्चा, इसका यातायात का खर्चा बढ़ जाता है और ये उपभोक्ता को देना पड़ता है। आप सब कुछ क्या रूस और यूक्रेन के ऊपर आप उन्हीं के ऊपर आप कहेंगे? सारे चार महीना आपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपका कच्चे तेल का कीमत दुगना हो गया और आपने यहां नहीं बढ़ाया, अचानक पिछले 9 दिन में 8 बार आपने बढ़ा दिया। क्यों नहीं बढ़ाया आप जानते हैं, चुनाव हो रहे थे। तो फिर आप बोलिए रूस और यूक्रेन के लिए यही सब होगा, तो आप कितने दिन लोगों को धोखा देंगे? देखिए, यू आर प्रिविलेज्ड, यू आर स्टडिंग इन JNU। हमारे देश में बहुत सारे लोग, ये जो सरल भाषा में मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की, कुछ समझते नहीं। एक व्यक्ति भगवान है, 45% लोग NDA को वोट दे दिया, कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश में वापस आ गया योगी जी। आप देखिए आंकड़ा बारीकी से देखिए, कितने कितने विधानसभा केंद्र में कौन किसका वोट काटा, ये भी आप देख लीजिए, आप पढ़िए, आप सुनिए। आप ये सब सुनने के बाद जो आम नागरिक को आप समझाइए, गांव गांव में समझाइए, आपकी तरह शिक्षा मिल रहे हैं, वो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में शिक्षा मिल रहे, जैसे रवीश कुमार कहते हैं पिछले 8 साल से आ रहे व्हाट्सएप में। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, मगर हर आतंकवादी आतंकवादी मुसलमान है। इस तरह से अर्ध सत्य, इस तरह से झूठा खबर ये व्हाट्सएप में फैल रहे हैं। हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं, हमारे देश में 120 करोड़ सिम है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा शहरी इलाके में, गांव में इलाके हर ज्यादा में लोगों से ज्यादा सिम है। लगभग 500 मिलियन 50 करोड़ मोबाइल फोन्स, जो आप कहेंगे स्मार्टफोन्स, अत्यंत चलाक चलायमान दूरभाष यंत्र व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, व्हाट्सएप कह रहे हैं कि 50 करोड़ लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं भारतवर्ष में। और व्हाट्सएप में किस तरह से झूठा खबर, गलत खबर, नफरत भरा खबर फैल रहा है। तो दैट्स अनदर साइड ऑफ द स्टोरी, एंड मे बी ऑन सम अदर ओकेजन अगर हमें मौका मिलेगा इस विषय के ऊपर भी मैं आपके साथ बात करूंगा। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप चुपचाप बैठ के आपका पिताजी के उम्र एक व्यक्ति का बात आपने सुना, और मैं अगर कोई भी सवाल है, एनी क्वेश्चंस यू हैव, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। मेरे पास सारे सवाल का जवाब नहीं है, मगर आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच।